रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर कमल कुमार बोस, अध्यक्ष हिंदी विभाग, संजीवियर कॉलेज रांची, आज प्रजनमूलक हिंदी और मीडिया विषय पर अपनी बातें रख रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी ने अपनी प्रयोजनीयता जीवन के हर क्षेत्र में साबित की है। प्रयोजन के विकास के साथ प्रत्येक भाषा में नवीनता उत्पन्न होती है, आवश्यकता के अनुसार उसके स्वरूप और शैली में परिवर्तन होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज भी जिन भाषाओं में समीक्षात्मक कार्य करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है, उन भाषाओं में समीक्षा जैसी रूपविधा का अस्तित्व भी नहीं है। इसी प्रकार 150 शताब्दी पहले तक परिभाषित अर्थ में हिंदी में उपन्यास शैली जैसी विधा नहीं थी। कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी हो या कोई अन्य भाषा, इसमें जो विविधीकरण आज दिखाई देता है वो पहले नहीं था। जीवन का बदलता हुआ स्वरूप ही वास्तविक स्वरूप में परिणति पाता है। मीडिया और हिंदी के पारस्परिक संबंधों को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हाल के वर्षों में यह सवाल भी उठाया गया है कि मीडिया और पत्रकारिता दोनों एक रूप हैं या दोनों में भेद माना जाना चाहिए। सामान्य तौर पर आज यह भेद माना जाता है कि पत्रकारिता मात्र श्रव्य या लेख्य माध्यम है तो मीडिया दृश्य और श्रव्य माध्यम। उदाहरण के लिए दूरदर्शन के माध्यम को ही मीडिया मानने का आग्रह बढ़ने लगा है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बिंदु है जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और विवेक के साथ विभेद या तादात्म्य की बात की जानी चाहिए। पत्रकारिता और मीडिया प्रयोजन के विचार से निश्चय ही एक है। सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रसंगों को आम जनता तक संसूचित संप्रेषित करना दोनों का प्रयोजन है। जब समाज में एक ऐसा प्राणी उत्पन्न होता है जो घटित होने वाली हर वस्तु को सीधे साधे सूचित कर संतुष्ट नहीं होता बल्कि उसके प्रति एक दृष्टि प्रस्तावित करना चाहता है, तभी पत्रकारिता की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अपने शुरुआती दौर में अखबार या समाचार पत्र सामाजिक अभिरुचि या आकर्षण के समाचार मात्र थे। जो कुछ घटित होता था उसमें ध्यान देने योग्य विषय को सामाजिक खबर का दर्जा दिया जाता था। अखबार का अर्थ ही होता है खबरों या समाचारों का समूह। लेकिन धीरे धीरे यह समूह विवेचन और प्रतिक्रिया दोनों का विषय बनने लगा और पत्रकारिता का विकास हुआ। वास्तव में पत्रकारिता के माध्यम का ही नया विस्तार मीडिया है। इस विषय पर मतभेद की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन समग्रता में विचार करने पर मुझे वैसा भेद दिखाई नहीं देता जैसा भेद दोनों को लेकर प्रस्तावित होता रहा है और यह कहा जाता है कि पत्रकारिता अलग है और मीडिया अलग। फिर भी यदि अपने विषय को हिंदी के संदर्भ में दृश्य माध्यम की प्रधानता तक ही सीमित कर देखा जाए तो इसके संवाहक के रूप में जो दो पहलू खास तौर पर उभरते हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। वे पहलू हैं भाषा और प्रस्तुति के माध्यम के रूप में दृश्य संयोजन। अभिप्राय यह है कि किसी समाचार या सूचना को हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करते समय हम किस प्रकार की भाषा का उपयोग करें और किस प्रकार के दृश्यों का संयोजन करें। टेलीविजन से जिस नई हिंदी का विकास हो रहा है उसे कुछ लोग ग्राह्य या वरेण्य मानते हैं। भाषा के व्याकरणिक चौखट में भले यह भाषा कहीं भी न टिकती हो, परंतु असच्चाई यह है कि आम बोलचाल और काम काज की भाषा ही हिंदी भाषा है जो इन दिनों टेलीविजन स्क्रीन से प्रेषित हो रही है या जिसका संप्रेषण टेलीविजन के विभिन्न चैनलों द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि दूरदर्शन के कुछ एक चैनलों द्वारा विशेष नाटकीयता के साथ जानबूझकर अंग्रेजी शब्दावलियों से लदी हिंदी परोसी जा रही है, क्या औचित्य की कसौटी पर खरी उतरेगी? क्या अंग्रेजी के शब्दों का उस सीमा तक प्रयोग उचित है जिस सीमा तक मीडिया में प्रयोग हो रहा है? यह कोई अकेली होने वाली घटना नहीं है, इसका प्रतिफलन समाचार पत्रों में भी दिखाई दे रहा है। वाक्यों के स्तर पर समझने की कोशिश करें तो ऐसी अनेक अभिव्यक्तियाँ मिलेंगी जहाँ आवश्यकता न होने पर भी सायास अंग्रेजी के अनेक शब्दों को शामिल कर हिंदी बोलने का भ्रम पैदा किया जाता रहा है।
फेमिनिज्म की समस्या देशव्यापी होती गई है। चार अफसरों का ट्रांसफर हो गया। सीएम के ऑर्डर से दो अफसर सस्पेंड कर दिए गए। लगता है अब मेट्रोज में ट्रैफिक रूल्स नहीं रह गए हैं। बच्चे एग्जाम्स फीवर से ग्रस्त हैं, आदि आदि अनेक वाक्यों के प्रयोग इस रूप में किए जा रहे हैं। मीडिया में ऐसी भाषा के प्रयोग के कई तर्क दिए जाने लगे हैं। यह कहा जाने लगा है कि मीडिया आम जनता की भाषा का माध्यम है और आम जनता धड़ल्ले से भाषिक शुचिता की चिंता किए बिना जो अंग्रेजी या विदेशी शब्द चल पड़े हैं उनको यथावत स्वीकार कर चलती है। किंतु हिंदी भाषा के प्रसंग में मीडिया का दायित्व किस प्रकार होना चाहिए? जो कुछ हो रहा है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए या दूर तक सोचते हुए अपनी भाषा नीति तय करनी चाहिए? जैसी भाषा बोली जाने लगी है यदि उसे आदर्श मान लिया जाए तो दो चार दशकों के बाद जो हिंदी आएगी क्या वो हिंदी रहेगी? वो इंग्लिश दुनिया के अलग अलग हिस्से में प्रचलित क्रियोल या मिश्रित भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली चीज़ बनकर रह जाएगी। यदि यह कहा जाए कि संसार भर में अंग्रेजी के शब्द आम फहम होते जा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि वो संसार वास्तव में है या नहीं। अंग्रेजी से अभिभूत भारतीय ये नहीं जानते कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं है। हिंदी दुनिया की तीन सबसे बड़ी भाषाओं में है, चीनी, अंग्रेजी और हिंदी। क्या चीनी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का ऐसा मिश्रण होने लगा है? क्या फ्रेंच, रूसी और जर्मन भाषाएं अंग्रेजी शब्दों को उचित स्वागत भाव से देखने लगी हैं जिस स्वागत भाव से हम उसे देखते हैं? सच तो यह है कि अंग्रेजों के गुलाम उपनिवेशों के सिवा अन्य देशों में अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग को बड़ी प्रतिरोध के भाव से देखा जाता है। फ्रांस की संसद ने तो ये कानून बना रखा है कि फ्रांस की सीमा में अंग्रेजी शब्दों का बोलचाल में व्यवहार करने वाले व्यक्ति को अर्थदंड देना होगा। वहाँ की पुलिस को यह अधिकार है कि अंग्रेजी या विदेशी शब्दों का फ्रेंच में व्यवहार करने वाले नागरिक को वो जेल में भेज दे। ये बात सुनने में विचित्र लग सकती है कि अमेरिका की अंग्रेजी से ब्रिटेन की अंग्रेजी त्रस्त हो गई है। बाहरी तौर पर अमेरिकन अंग्रेजी और ब्रिटिश अंग्रेजी एक लगती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। वास्तव में विदेशी भाषाओं के प्रयोग से सभी लोग डरते हैं और विदेशी भाषाओं के अति प्रचलन को अपनी भाषा की विकृति और विरूपण का स्रोत मानने लगे हैं। इस संदर्भ में देखें तो भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी प्रयोग के हिमायती बड़े हास्यास्पद प्रतीक होंगे। वे अपनी ही संस्कृति और अपनी अस्मिता के विनाश के माध्यम प्रतीत होंगे। तर्क यह भी है कि कुछ चैनलों के अधिक दर्शक विदेशों में हैं जो अच्छी हिंदी नहीं जानते, लेकिन क्या वे लोग दूरदर्शन के माध्यम से हिंदी के नए शब्द नहीं सीख सकते? किसी भी भाषा में प्रसारण वहाँ की भाषा जानने वालों के लिए ही होता है। ये एक सीधा नियम है और सीधा प्रचलन भी। जब कोई भाषा बिगड़ती है, टूटती बिखरती है एवं नष्ट होती है तो न कोई शोर होता है न कोई विस्फोट। यह खामोश टूटन हमारे संस्कृति को निरंतर खोखला बनाती है। संचार माध्यमों में साहित्य का असर अथवा समाज पर संचार माध्यमों का असर उस द्वारा प्रयुक्त भाषा की वाक्य प्रयुक्ति पर ही निर्भर है। इस प्रसंग में मेरा ये कहना है कि आज की अंग्रेजी सभी भारतीयों तक नहीं पहुंच पाती है। हम नगरों में रहने वाले मध्यमवर्गीय शिक्षित लोगों की भाषा को अंतिम तौर पर आज की हिंदी मान बैठे हैं। क्या 70% ग्रामीण जनता ऐसा वाक्य प्रयोग करती है? साहब को ये सब्जी टेस्टी नहीं लगी एवं सब कुछ रविश है, आदि आदि। सच्चाई तो यह है कि हमारे यहाँ गाँव में जो हिंदी चलती है वो हिंदी हमारी हिंदी है, आम फहम की हिंदी है, और उस हिंदी पर शहरी हिंदी को लादा नहीं जाना चाहिए। यदि हमारी मीडिया ये सब करता है तो हमें सांस्कृतिक आत्महत्या करने की ओर प्रेरित कर रहा है। हर भाषा का अपना चरित्र होता है। हिंदी का जो चरित्र है उसे बनाए रखना न केवल आज के लिए बल्कि कल के लिए भी आवश्यक है। हिंदी के प्रकृति एवं वर्तमान स्वरूप को खोना जैसे अपने अस्तित्व के किसी मूल्यवान हिस्से को खोना है। शब्दों के चयन में भी हमें शालीनता की पहचान करनी चाहिए एवं इसके लिए शब्दों के चयन में सावधानी सतर्कता बरतनी चाहिए। हमें न केवल अंग्रेजी के वर्चस्व से बचना है बल्कि शालीनता होती भाषा से भी बचना है।
टेलीविजन का लेखन एक टीम वर्क होता है, जिसमें निर्माता, निर्देशक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अभिनेता, कैमरामैन, दृश्यबंध, अभिकल्पकार, कला पर्यवेक्षक, कलाकार, रूप सज्जाकार जैसे अनेक लोग शामिल होते हैं। पर सबसे मूल बात यही होती है टेलीविजन की भाषा की। हर माध्यम की अपनी भाषा होती है, फिल्म और टेलीविजन की भी अपनी भाषा होती है। बोलते हुए शब्दों में रंग होता है, संगीत होता है, यहाँ तक कि सुंदर लगने वाली एक खामोशी होती है। टेलीविजन का कैमरा कितने दृश्यों को सामने रख देता है, किसी भी घटना को टेलीविजन की भाषा देना एक बड़ा गहरा और प्रतिभा संपन्न आयोजन होता है। टेलीविजन का निर्माण भाषा की संरचना पर अधिक ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि शॉर्ट्स का क्रम भी पहले से निर्धारित नहीं होता, अतः शॉर्ट्स के अनुसार भाषा का क्रम रखना पड़ता है। यद्यपि पहले से जिस दृश्य कार्रवाई किया जाता है उसमें दृश्यों के अनुरूप और संरचना बना ली जाती है, पर जब सीधा प्रसारण होता है तब पटकथा विहीन कार्यक्रम के निर्माण में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी बात कब भूली जाएगी और संवाद का क्या रूप होगा। यह भी एक गहरी समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों में भाषा का प्रयोग कितना कठिन है, शब्दों का चयन कितना सटीक एवं संतुलित हो कि हम प्रस्तुत दृश्यों को जीवंत कर पाने में सफल हो सके, तब चयनित शब्दों, ध्वनियों एवं अंतरालों का प्रयोग करते हुए टेलीविजन की भाषा तैयार की जाती है। इस भाषा में दृश्यात्मकता हो, लचीलापन हो, स्पष्टता हो और दृश्यों के अनुरूप हो, ये सब ध्यान रखना पड़ता है और उसकी एक श्रृंखला बनानी पड़ती है। वीडियो और ऑडियो की भाषा में अंतर यही है कि जहां ऑडियो में सारे दृश्यों को ध्वनियों में बताने की अनिवार्यता है, वहां वीडियो में ये सारी ध्वनियां दृश्यों में ही अपनी बात कहती हैं। आधुनिक युग में दूरदर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली दृश्य श्रव्य संचार माध्यम है। इसमें हिंदी की प्रवृत्ति सम्मिलित रूप में है, जिसमें प्रसारित कार्यक्रमों का अधिकाधिक लाभ जनसामान्य को हो सके। दूरदर्शन में संदर्भ के अनुसार हिंदी का मौखिक तथा लिखित एवं उसका वाचिक रूप प्रस्तुत होता है। इसमें शैली औपचारिक होती है। धारावाहिकों में बोलचाल की सहज हिंदी प्रयुक्त होती है, जो पर्याप्त पूर्वाभ्यास की मांग करती है। शब्द के साथ साथ दृश्य माध्यम होने के कारण कैप्शन के रूप में कथन को प्रभावशाली एवं स्मरणीय बनाने के लिए अपूर्ण वाक्यों को लिखकर दर्शाया जाता है। दूरदर्शन के सरकारी चैनलों में समाचार बुलेटिन को एक प्रोक्ति कहा जाता है। भाषा मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। मनुष्य नए नए शब्दों से वाक्य बना लेता है, उसकी सार्थक दुनिया भाषा के रूप में सामने आती है। भाषा की शक्ति असीमित होती है। रेडियो और टीवी पर भाषा का यह रूप सामने आता है, जिसमें चाहे वार्ता हो या समाचार वाचन, नाटक हो या साक्षात्कार या हो वृत्त चित्र, सभी में भाषा का एक विशिष्ट रूप सामने आता है। भाषा की प्रणाली भी, जो हर भाषा की अलग अलग अपनी अपनी होती है, उसमें सहयोग करती है। वस्तुतः संचार माध्यमों में भाषा का प्रयोग करते समय वाचक को भाषा को बोलने की प्रविधि का ज्ञान होना आवश्यक है। आवाज़ के निर्माण में हमारा श्वास तंत्र तथा ध्वनि तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे स्वर तंत्र और स्वर सूत्र जुड़े होते हैं। अतः जो वाचक भाषा प्रवाह को अपने उच्चारण के माध्यम से दृश्य और समय के अनुसार प्रयोग में ला सकता है, वह सफल होता है। हमारे मुख में जो वायु प्रवाह है, वह सारी भाषाओं के बाहरी रूप का मूल कारण होता है। वाणी की ध्वनि तरंगे श्रोता के कर्णपट पर कंपन करती हैं, जहाँ से वह इन ध्वनियों को ग्रहण करता है। हर भाषा में ध्वनियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हिंदी में वहाँ प्राण ध्वनियाँ हैं और अंग्रेजी में नहीं हैं। ध्वनियों के गुण में मात्रा और बल का तथा संगीत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कई ध्वनियाँ ऐसी होती हैं कि उच्चारण दोष उत्पन्न हो सकता है, अतः इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते समय विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। वाणी में उतार चढ़ाव भी जरूरी है। टेलीविजन की भाषा के प्रयोग में वाचक में ऐसा कोई रोग न हो जो उसके उच्चारण में बाधा पहुंचाए, अन्यथा अच्छी भाषा के प्रयोग से भी किसी भी प्रवाह को उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा। वर्तनी की अशुद्धता से भी उच्चारण दोष संभव होता है, इसे दूर किया जाना जरूरी है। विशेषकर हिंदी में जहाँ अक्षर में स्वर व्यंजन मिले होते हैं, वहाँ मात्राओं की गलतियाँ भी हो जाया करती हैं। वाचक को विराम चिन्हों के प्रयोग में भी सावधानी बरतनी होती है। भारतीय दूरदर्शन में हिंदी
प्रयोजनमूलक रूप में प्रयुक्त होती है। समाचार प्रसारण ऐसा होता है, इसे देखकर माध्यम की स्वायत्तता का ज्ञान होता है। मानक हिंदी का प्रयोग कई बार समाचार बुलेटिन में होता है, कभी कभी उसमें आंचलिकता की भी झलक मिलती है। ऐसे ग्रामीण प्रयोग में लगता है कि यह आम जनता की ओर उन्मुख है। जिस तरह से किसी घटना, व्यक्ति और दृश्य को प्रस्तुत किया जाता है, इससे हिंदी के कई रूप सामने उभरते हैं। समाचार के अतिरिक्त लालित्यपूर्ण भाषा साहित्यिक कार्यक्रमों में प्रयुक्त होती है। समाचारों में ध्वनियात्मक दृष्टि से तत्सम शब्दों, विदेशी ध्वनियों और उसके व्याकरण संबंधी गठन पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। भाषा को सृजनात्मक बनाना ऐसा प्रसंग का या स्थान देकर देशज एवं शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करना एवं उपसर्ग प्रत्यय की सहायता से नवल शब्दों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। कमेंट्री प्रसारण में हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप अधिक मुखर होता है। प्रसिद्ध खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सेमिनार आदि के आंखों देखा विवरण में हिंदी का यह रूप अधिक प्रयुक्त होता है। भाषा की गुणवत्ता इन प्रसारणों में होती है। विषय की प्रामाणिकता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विभिन्न दर्शक समुदाय से कम्युनिकेटर आंखों देखा हाल बताता हुआ विचार विमर्श करता है। इसमें ध्वनि, संगीत, लय की विशेष भूमिका के साथ व्याकरण का आवश्यक बंधन भी होता है। खेल मैचों का सीधा प्रसारण दिखाते हुए कम्युनिकेटर अपने दर्शकों को मैदान में पहुंचाने का काम करता है। स्वतः निर्मित भाषा के वहां सजीव शाब्दिक चित्र और अभिव्यक्ति की क्षमता का पूर्ण प्रभाव उसके द्वारा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिंदी का मानक रूप होना चाहिए, जहां हम कहीं से भी बैठे बैठे अनेक दृश्य देख सकें, जैसे कलकत्ता का फुटबॉल मैच हो या जगन्नाथपुरी की यात्रा या मैसूर का दशहरा मेला का दृश्य, कोई भी हो, विशेष संबंध के माध्यम से उसकी विशेषता मानक हिंदी में व्यक्त होनी चाहिए। संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के एकदम मानक रूप में प्रयोग के पक्षधर हम नहीं हैं, पर प्रयत्नपूर्वक अन्य भाषाओं के, विशेषकर अंग्रेजी के कठिन शब्दों या अप्रचलित शब्दों के ठूसे जाने से कि हम सहमत भी नहीं हैं। कोई भाषा हो, उसमें निर्मित एवं प्रचारित कार्यक्रम उस भाषा के सहज रूप को लेकर चलने चाहिए। उस भाषा भाषी समाज में जो भाषा बोली समझी जाती है, उसके उसी रूप का प्रयोग होना चाहिए। उसे ऊंचाई की ओर ले जाने की प्रचेष्टा तो वरेण्य है, पर विकृत करने की कुचेष्टा सर्वथा अस्वीकार्य है। जब रेडियो में प्रवाहयुक्त, सहज, सरल और स्वाभाविक हिंदी भाषा का प्रयोग होता चला रहा हो, तो टेलीविजन में क्यों नहीं हो सकता। फिर भी यह सही है कि टेलीविजन मीडिया से एक नई भाषा विकसित हो रही है। नई भाषा की पहचान नहीं की जा सकी है। हाँ, इस नई भाषा को एकदम ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वह कोई एक भाषा ही न रह जाए।